हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। साथियों, छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 की आज की फर्स्ट क्लास शिक्षण अभिरुचि, जिसे शैक्षणिक अभिरुचि कहते हैं। सभी साथी जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, आज के वीडियो से जुड़ जाए, आज की सेशन से जुड़ जाए। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शैक्षिक अभिरुचि क्लास वन, आज हम इसके पहले एक बजे की जो सेशन था जिसमें हमने हिंदी व्याकरण पर चर्चा किया, आज हम सिलेबस पर ही चर्चा कर रहे हैं। साथियों, ये वीडियो शैक्षणिक अभिरुचि सिलेबस पर ही हम चर्चा करेंगे। बीएड और डीएलएड की हम बात कर रहे हैं। बीएड और डीएलएड की पाठ योजना, सिलेबस, पाठ्यक्रम क्या होनी चाहिए। चूँकि साथियों, आप सभी जान रहे हैं कि बिना सिलेबस के तैयारी करना सही नहीं होता। चाहे हम बीएड की बात करें, चाहे हम डीएलएड की बात करें, जब तक आपके पास सिलेबस नहीं तब तक तैयारी व्यर्थ है। जब भी आप तैयारी करते हो ना, तो सिलेबस को पहले आप हार्ड कॉपी में निकलवा के रखो या मोबाइल में रखो, ठीक है। वो चीज़ें आपका जरूरी है। और आप प्री बीएड की तैयारी कर रहे हो, प्री डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, पहले तो आप हार्ड कॉपी में सिलेबस निकलवाओ। टॉपिक वाइज आप तैयारी कर रहे हो, आप राइट मार्क करते जाओ कि हमने, हाँ, ये चैप्टर को हमने तैयारी कर लिया, उसको आप राइट कर लो, ठीक है। तो तैयारी इस तरीके से होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं शिक्षण अभिरुचि की। शिक्षण अभिरुचि में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। प्री बीएड वाले साथी जो जुड़े हुए हैं क्लास से, और प्री डीएलएड वाले साथी जो जुड़े हुए हैं क्लास से, दोनों की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें शिक्षण अभिरुचि की, तो इसके लिए हम फर्स्ट पहले बात करें डीएलएड की, ठीक है। डीएलएड वाले जो साथी हैं उसके लिए पाठ योजना आप देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, दिखाई दे रहा। शिक्षा अभिरुचि में, शिक्षा अभिरुचि के अंतर्गत आपको जो बिंदुएं जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है, एक तो हमें पढ़ना है बच्चों के प्रति अभिरुचि, अर्थात अभी हमारा जो व्यवहार है बच्चों के प्रति कैसा होना चाहिए, ठीक है। इससे जुड़े आपके प्रश्न आएंगे शिक्षा अभिरुचि में, ठीक है। साथियों, आपका व्यवहार बच्चों के प्रति कैसा होना चाहिए। और एक चीज हमेशा याद करना, एज अ टीचर। अब ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो ये चीज आप सोच के रखो कि आप एक शिक्षक हो और शिक्षक की दृष्टि से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरी बड़ी बात क्या है, आपको अनुकूलन की योग्यता पर को भी ध्यान देना। अनुकूलन, बदलाव हम कह सकते हैं, इस पर हम अनुकूलन पर ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करेंगे, मतलब इसके परिभाषा पर हम नहीं जाएंगे। बदलाव आप समझ सकते हो, ठीक है। तो बदलाव से तात्पर्य, भाई आप एक स्कूल में शिक्षक बनने जा रहे हो, तरह तरह के वातावरण आपको मिलेंगे, तरह तरह के बच्चे आपको मिलेंगे। उस स्थिति में आपकी क्वालिफिकेशन क्या हो, योग्यता क्या हो, आपकी क्षमता क्या हो, ठीक है। व्यवसाय संबंधी सूचनाएं आपको होनी चाहिए, इंटरेस्ट भी होनी चाहिए व्यवसाय में, और ये कैसा, तो परीक्षण कथनों के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है जिसको आप अध्ययन करोगे प्री डीएलएड वाले साथी। और प्री डीएलएड के बाद हम बात करें प्री बीएड वाले साथी, तो देख सकते हैं बच्चों के प्रति अभिरुचि, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, और ये जो दिया हुआ है पूरा, जो आपका प्री डीएलएड में पढ़ोगे वही आप प्री बीएड में भी पढ़ोगे, ठीक है। अब यहां से दूसरा आप पैराग्राफ पर आओ, देखो यहां नोट करके लिखा है ना, ये डीएलएड का सिलेबस है ना। तो शिक्षा शास्त्र से संबंधित 6 से 11 वर्ष के बच्चों के मनोविज्ञान को आपको समझना है। देखो, अब यहीं पर थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, तो देखो यहां आपको जो डीएलएड वाले साथी है, ठीक है, जो डीएड लिख देता हूं, डीएलएड वाले साथी 6 से 11 वर्ष को समझेंगे, वाला बालक को समझना है। और जो बीएड की तैयारी करेंगे प्री बीएड की, वो क्या करेगा, 11 वर्ष से 17 वर्ष, ये है इसकी एज। अर्थात आप जब डीएड प्री डीएलएड का पेपर देने जा रहे हो, तो आपका जो प्रश्न आएगा 6 से 11 वर्ष के बच्चों के अनुकूल आएगा, और आप बीएड करने जा रहे हो तो 11 से 17 के अनुकूल। लेकिन इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है साथियों, भाई प्रश्न वही चीज, व्यवहार वही चीज। अब मान लो यहां पर मैं एक प्रश्न आपसे बोल रहा हूं, ठीक है,
जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं जरूर वो कमेंट करें, लाइव कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलो एक प्रश्न है मेरा, ध्यान से सुनेंगे सभी साथी, ठीक है ना। मेरा एक प्रश्न है, मान लीजिए मैं एक कक्षा में पढ़ाने गया हूं, या आप मान लो आप एक शिक्षक हो, जैसे मान लो आपका नाम डिकेश है, ठीक है, आपका नाम डिकेश है, आप एक शिक्षक हो, कक्षा में पढ़ाने गए हो और एक बालक शरारत कर रहा है, पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, तो आप उसके व्यवधान या उसके शरारत को कैसे आप रोकोगे वहां पर। पहला ऑप्शन आपका रहेगा बच्चे को मारकर, उसको मारकर डांट देंगे, या दूसरा उसको डांटेंगे, मारेंगे उसको डांटेंगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन जैसा कर रहा है वैसी करने देंगे, और चौथा कंडीशन उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चार विकल्प है, आप एक कक्षा में पढ़ाने गए हो, एक बालक शरारत कर रहा है, तो आप क्या करोगे। आप बच्चे को मारेंगे, उसको डांटेंगे, उसको जैसा वो शरारत कर रहा है उसको करने देंगे, उसको हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा है तैसे करत रहा, है ना भाई। चौथी, क्यों शरारत कर रहा है, उसके पीछे के कारण को जानने की कोशिश करेंगे। अब ये सोचो यहां पर, माना कि ये 6 वर्ष से 11 वर्ष के बालक शरारत करेगा, तो क्या 11 वर्ष से ऊपर के बालक शरारत नहीं करेगा क्या। करेगा ना भाई। तो ये जो प्रश्न है, ठीक है, जरूरी नहीं कि केवल 6 वर्ष के बालक के लिए ही हो, ये 11 वर्ष के बालक के लिए भी ये चीजें लागू हो जाती है, शरारत करने लगते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको पढ़ना जरूरी है, आप ऐसा ना समझे। बेसिक सी इसमें माइनर से डिफरेंट आपको मिल रहा है, कोई ज्यादा नहीं है, और हम जरूर इसको पढ़ाएंगे, दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है, दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, उम्र पर आप मत जाइए, चाहे हम प्राइमरी की बात करें या अपर प्राइमरी की बात करें, 1-2 साल की जो उम्र है उसमें शरारत आप अक्सर देखेंगे साथियों, है ना, आप देखोगे अक्सर और पाओगे भी कि ये जो शरारतपन है, बालक जब 9वीं में जाएगा ना तभी इनका जो शरारतपन है थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा क्या बढ़ जाता, शरारत का तरीका बस बदलता है भाई, शरारत कम नहीं होता। छोटा बच्चा है खिलौने से शरारत करेगा, बदमाशी, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा इनकी शरारतें बड़ी बड़ी हो जाती है ना। तो ये तो कभी कम नहीं होता, हम बालक बालिकाओं की बात कर रहे हैं, बच्चे शरारती होते हैं, बच्चे चंचल होते हैं, और जब जब बच्चा टीन एज में हो जाता है, टीन आपको मैं यहां समझा दूं, पहले तो टीन एज से तात्पर्य क्या है, देखो 13 से 19 वर्ष तक की जो उम्र है टीन एज की श्रेणी में आता है। कैसे, 13 को इंग्लिश में बोलते हैं 13, तो लास्ट में टीन आ रहा है 13, और 19 को भी 19 लास्ट में टीन आ रहा है ना, तो ये 13 से 19 की जो एज है टीन एज इसी को बोलते हैं। और ये जो उम्र है बहुत ज्यादा जोश उत्साह की उम्र है, बदलाव की उम्र है, परिवर्तन की उम्र है, और इस उम्र में क्या सही है क्या गलत है बालक नहीं जानता, ठीक है। तो शरारतें तो स्वाभाविक है ऐसी उम्र में, ठीक है साथियों। तो बिल्कुल शिक्षण अभिरुचि भी आपको दोनों का सेम मिलेगा और बेस्ट तरीके से मिलेगा। कभी आप मत सोचें कि डीएलएड का अलग होगा, बीएड का अलग होगा, बेसिक सी चीजें हैं, और आप समझोगे तो आप चीज, एक चीज को हमेशा याद रखना, भले ही आपको बोला गया है कि प्राइमरी अर्थात डीएलएड प्री डीएलएड की बात अगर किया गया है, तो आप कभी ये ना सोचे कि प्राइमरी 6 से 11 वर्ष तक ही आएगा। अब जो डीएलएड हो गए हैं ना साथियों, पहले डीएड नाम था, आप सभी जान रहे होंगे, पहले इसका नाम डीएड था, केवल 1 से 5 तक पढ़ाते थे, लेकिन अब इसका नाम डीएलईडी हो गया है, डीएलएड हो गया है। अब डीएलएड में आप कक्षा 1 से 8 तक
के शिक्षक बनते हो और आठवीं तक मतलब आप उम्र को ऐसे ही काउंट कर सकते हो। 11 साल तो आपका पांचवी तक हो गया, अब 11 से ऊपर तो 17 आ गया ना भाई, 16-17 साल। तो डीएलएड मतलब आप अपर प्राइमरी को भी लेके चलोगे, क्योंकि आपके जो एग्जाम है उसमें सिर्फ प्राइमरी ही आएगा, ऐसा मत सोचना, ठीक है। अपर प्राइमरी भी आएगा तो बिल्कुल आपको उसको अच्छे से समझना है। और हम दोनों को लेके चलेंगे शिक्षण अभिरुचि, 30 नंबर के प्रश्न आएंगे बीएड में भी और 30 नंबर के प्रश्न आएंगे आपका डीएड में भी। साथियों हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की जब मैं बात करता हूँ ना, बीएड वाले साथियों के लिए मैं बात करूँ, बहुत से साथी हमारे जो जुड़े हुए हैं तो उनका सवाल होगा कि सर बीएड कितने नंबर में हो जाएगा, तो मैं बता दूँ यदि आपने 75 प्लस लाया तो ही आप सोचो कि आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में बीएड में सिलेक्शन होगा, ठीक है। 75 मैं बोल रहा हूँ बीएड में एडमिशन के लिए, 100 में से, भाई मैं 100 में से बोल रहा हूँ ना, कोई ऐसा मत समझो कि 150 में, 100 में से 75 मार्क्स। अब बात करूँ यहाँ पर डीएलएड की, डीएलएड की जब मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप 60 मान के चलो किसी भी डाइट में, 60 यहाँ कम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बीएड में सिर्फ 3-4 ही कॉलेज है हमारे प्रदेश में, लेकिन डीएड में जितने भी जिले हैं ना वहाँ पर एक एक गवर्नमेंट डाइट है, इसलिए यहाँ कम नंबर में भी हो जाता है और ये लास्ट में और कम में होगा, ये फर्स्ट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 60 नंबर यदि आपने ले आया प्री डीएलएड में तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में कन्फर्म है, यदि बीएड में है 75 प्लस आपने ले आया तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है। तो हमारी जो तैयारी रहेगी, देखो यहां पर बात करें हम रीजनिंग की, शॉर्ट एंड स्वीट में लिख रहा हूं, ठीक है ना, शॉर्ट एंड स्वीट में लिख रहा हूं, आप चीजों को समझ जाएंगे। बात मैं कर रहा हूं साथियों रीजनिंग की, रीजनिंग में आप टारगेट लेके चलो 30 में आपको 25 नंबर खींचना है और हमारे क्लास के बाद में आप पूरा कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आपको 30 में 25 नंबर, क्या 30 में 30 के लायक, लेकिन हम मिनिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम की बात नहीं करते, ठीक है। क्योंकि मिनिमम की मैं बात इसलिए करता हूं कि हर वो स्टूडेंट जो एवरेज भी है ना उसको भी 25 मिले आउट ऑफ 30, ठीक है। बात करें हम हिंदी की, हिंदी में आप आराम से 8 नंबर की टारगेट ले सकते हो। बात करें हम इंग्लिश की, इंग्लिश में भी आप 8 नंबर इजीली ले सकते हो, ठीक है। बात करें हम यहाँ पर टीचिंग की, टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमने कहा शिक्षण अभिरुचि की, इसमें भी आप 25 आराम से ले पाओगे। इसके बाद में जो आपका जनरल नॉलेज बच जाता है तो वो कितना आता है मेरे ख्याल से 20 नंबर का है ना भाई, तो आपको इस 20 नंबर में भी आपको यहाँ से अच्छे मार्क्स ले आना। देखो एक चीज मैं यहाँ से और बता दूँ, ज़्यादा मेहनत कभी आप जनरल नॉलेज में मत करना, क्योंकि सामान्य ज्ञान अथाह है, समुद्र की आप गहराई जिस प्रकार से नहीं नाप सकते ना, उसी प्रकार से सामान्य ज्ञान की गहराई को आप नहीं नाप सकते। इतना सामान्य ज्ञान में इतनी चीजें आ जाती है ना, उस चीज को आप कभी परिकल्पना भी नहीं कर सकते साथियों। तो आप मान के चलो सामान्य ज्ञान में हम जो पढ़ाएंगे मेन मेन बिंदुओं पर ही फोकस करेंगे और आपको उन्हीं बिंदुओं को पढ़ना है, ठीक है। अभी आप ऐसे कैलकुलेट करके देखो जी आपका कितना बनता है, तो 25 यहां से 25 50 हो गया, 50 20 70 हो गया, और 70 में ये 16 और जोड़ के तो 80 6 86 आपने ले लिया है ना। लेकिन यहाँ पर 20 नंबर नहीं, ये तो 20 नंबर यहाँ हमने कहा है, लेकिन इसमें आपको कितना लाना है जनरल नॉलेज में, आप सिर्फ अगर यहाँ 15 भी ले आते हो ठीक है, तब भी आपका 81 हो गया, और 80 82 84 से ज़्यादा हाईएस्ट जाता भी नहीं, मैं आपको बता दूँ ठीक है। 80 82 नंबर से ज़्यादा हाईएस्ट टॉप 10 वालों का, जब मैं प्री डीएलएड का एग्जाम दिया था साथियों 75 गया था मेरिट लिस्ट में, प्री डीएलएड टॉपर फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है 75 नंबर गया था, इसलिए मैं बोलता हूँ 75 और 80 के बीच में ही जाता है, 80 82 83 मैक्सिमम
उससे ज्यादा नहीं जाता। ठीक है, तो इस चीज को आपको गौर करना है। यहां से आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मैं जो जैसा मैं बता दिया हूं बस वैसे ही चलेंगे। जो मेन मेन आपका दो सब्जेक्ट है, आपका एक है जिसमें आपको ज्यादा फोकस करना है, वो है रीजनिंग और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, रीजनिंग में आपका 30 मार्क्स है और टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे शिक्षण अभिरुचि कहते हैं इसमें भी 30 मार्क्स है। ये तो आपका 60 हाथ में है सर, हाथ में है। आप भी गुरु बनने वाले हो, शिक्षक बनने वाले हो भविष्य में डीएड बीएड करके, है ना भाई। हम एक शिक्षक हैं, बहुत जल्दी आप भी एक शिक्षक बनोगे। तो बिल्कुल ऐसी चीजें तो आपके लिए मतलब पानी की तरह क्लियर होना चाहिए, माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तर्क होना बेहद जरूरी है एक शिक्षक को। तो ज्यादा इसमें क्या कहें, ये तो केवल परिचय था शिक्षण अभिरुचि में करना क्या है, पढ़ना क्या है। ठीक है ना, तो बिल्कुल हम एक एक बिंदुओं पर फोकस करेंगे। कल से आज की फर्स्ट क्लास मैंने नाम इसलिए दिया है साथियों, क्योंकि अगर मैं क्लास वन का नाम नहीं देता तो बहुत सारे साथी वीडियो नहीं देखते। ठीक है, इसलिए हम शिक्षक भर्ती की भी क्लास करवाए हैं, सहायक शिक्षक कंप्लीट क्लासेस हैं हमारा, उसमें भी हमने फर्स्ट क्लास में सिलेबस विषय परिचय ही हमने दिया है और इसमें भी हम इसलिए विषय परिचय की बात करते हैं। ठीक है ना, अब कल से आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा शिक्षण अभिरुचि। शाम 5 बजे की क्लास चलती है और दोपहर 1 बजे हमने बता दिया है हिंदी की क्लासेस। देखो भाई, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिसे हमारी क्लासेस पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि भाई उतनी सुविधा हम नहीं दे पाते, है ना, ज़्यादा सुविधा हमारे पास नहीं है। हम डिजिटल बोर्ड इंटरेक्टिव पैनल का उपयोग नहीं करते, क्योंकि भाई इतने हम अमीर नहीं है कि डिजिटल बोर्ड का उपयोग कर पाए, है ना, संसाधन की कमी है और संसाधन धीरे से आता है, है ना भाई। संसाधन हम बहुत जल्दी लाएंगे आप सब साथियों के लिए, और जब तक संसाधन नहीं आ जाता तब तक आपको, देखो भाई अगर आप इंटेलिजेंट हो ना, ठीक है, आप यदि पढ़ना चाहते हो तो कोई भी परिस्थितियां आपके स्टडी पर बाधा नहीं डाल सकती। समझ रहे हो बात को, कोई भी समस्या आपकी मेहनत के आड़े नहीं आएगी। यदि आप में जुनून हो, वास्तव में आप कुछ करना चाहते हो, वास्तव में आप बीएड करना चाहते हो, यदि आपकी रुचि डीएलएड में है, बीएड में है, और आप ऐसा सोच के इस बार मेरे क्लास में यदि आप आए हो ना, और ये सोच के आओ कि इस बार ए बार मोला एक सीट लेना है, मोला ए बार कोणार्क कॉलेज मां, हरिशंकर कॉलेज मां, संदीपनी शिक्षा महाविद्यालय, महंत लाल दास विद्यालय, केसरी शिक्षा महाविद्यालय, और काय कहते जी खोरसी महावय, है ना भाई, तब बहुत सारा है। तब आप मन यदि उद्देश्य लेके चला था कि मोला खोरसी में करना है, मोला गवर्नमेंट डाइट में ही डीएड करना है, तो ओकर लिए आप ला हमार क्लास में आए ला पढ़ी, और जत्ता बेर तक हम पढ़ाबो आप मतलब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके एकाग्रचित्त होके पढ़ना ही पढ़ी। अगर आप मन बोर हो जाहा मतलब आप अपन लक्ष्य से पीछे हो जाहा, समझे ना। ज्यादा इसलिए हम तो बोल रहे हैं भाई, इसमें प्री डीएड प्री बीएड की स्टडी आप करवा रहे हैं हम 45 से 60 डे ओनली, हम इससे ज्यादा नहीं झेल सकते, क्योंकि भाई इससे ज्यादा टाइम ही नहीं है हमारे पास, और हम एक एक क्लास में हर चीजें क्लियर करने की कोशिश करेंगे, समय का अभाव है। ठीक है, अभी ये चीजें जल्दी से हम खत्म करेंगे, उसके बाद में रीजनिंग की क्लासेस रितेश सर लेंगे। ठीक है, मैं और शेड्यूल की बात बता दूं, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूट है वो मेरा रहेगा, विमल सर, ठीक है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूट मिलेगी मेरे द्वारा, आपको हिंदी की सब्जेक्ट मिलेंगी मेरे ही द्वारा। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेंगी रीजनिंग की जो क्लासेस है रितेश सर के द्वारा मिलेंगी, इंग्लिश की क्लासेस भी आपको रितेश सर या मैं भी ले सकता हूँ, देखते हैं, इसको टाइम शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, मेरी क्लासेस अगर अन्य में ज़्यादा चलेगा तो सर ले सकते हैं। ठीक है, बात करें हम यहाँ पर जनरल नॉलेज की, ठीक है, जनरल नॉलेज की बात करूँ तो इसकी क्लासेस भी मैं ही लूँगा। ठीक है ना, इस तरह से आपकी जितनी भी क्लासेस है कंटिन्यू रहेगी, मतलब दो दो तीन तीन क्लासेस करके हम उसको कवर करेंगे और जल्दी से ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना, तो साथियों ये सामान्य सी परिचय है, आप और हम एक प्लेटफॉर्म कहना चाहिए, यूट्यूब में आए हैं हम, जुड़े हैं, आपके कमेंट, देखो
पहले तो भाई मैं ये चीज एक बात बता दूं, मैं कुछ बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि प्लीज कमेंट करो, इसका आंसर दो या कुछ भी, तो आप पीछे मत हटा करो। आप कई लोग को मैं देखता हूं ना, मेरे क्लास में अगर जितने भी लोग जुड़े हुए, चाहे वो 10, 20, 25, 50, उन लोग का क्या होता है, सिर्फ 4 लोग ही कमेंट करते हैं कुछ पूछोगे, बाकी लोग साइलेंट। वो देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, उस वो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, समझ भी नहीं आता। मैं देखा हूं अभी तक हमने प्रीमियर क्लासेस 200 क्लासेस हमने शिक्षक भर्ती के ले लिया है, लेकिन जो एक्साइटेड है लगता है मुझे वही रिप्लाई देते हैं, बाकी लोग बस शांत होकर देखते रहते हैं। अरे भाई गलती होगा तो क्या हम डांटेंगे, लोग गलती करके ही सीखते हैं, ठीक है। गलती करना भी सीखने के प्रक्रिया का हिस्सा है, इसको आप जब बीएड डीएड करोगे ना तब पढ़ोगे, आप देखेंगे जब आप बीएड डीएड में आओगे तो गलती करना मतलब आप नहीं सीख रहे हो, ऐसा नहीं, गलती करना भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा बाल विकास में, नाम तो सुना ही होगा बाल विकास, है ना, तो ये चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो चलिए साथियों, और शिक्षा अभिरुचि एक सामान्य परिचय थी, कल से आपको नियमित क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, और 1 बजे दोपहर की जो हिंदी की क्लासेस हैं, स्वर है ना मेरे ख्याल से, तो स्वर को बिल्कुल एनालिसिस करेंगे अच्छे से, ठीक है, स्वर को अच्छे से एनालिसिस करेंगे। उसके बाद स्वर के बाद हमारा आता है, वो तो पूरा खत्म, एक यूनिट जो एक अध्याय है ना वो एक दिन में खत्म करते चलेंगे हम 2 दिन के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं करेंगे, एक ही दिन में करने की कोशिश करेंगे, चाहे क्लासेस लंबा हो चौड़ा हो मोटा हो छोटा हो जो भी हो, ठीक है, लेकिन उसको एक दिन में हम खत्म करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हमारा जब शिक्षण अभिरुचि की आएंगी, इसको भी हम देखो ये क्लासेस ना एक एक दिन में ही करेंगे, अब ये लेक्चर की क्लास है भाई, यहाँ पे बोर मत होना, कोई गणित वाले साथी होंगे कई लोग बोर होने लगते हैं, तो ये जो क्लासेस है ना ये केवल चिंतन मनन, ये पूरा ना सामाजिक विज्ञान की तरह समझो आप लोग इसको, जिसमें केवल और केवल थ्योरी है, बस उसको समझते चलो मोटा मोटा, पढ़ते चलो बस वैसे ही पढ़ते चलना है, ठीक है ना, तो बिल्कुल आपको इसको ध्यान देना है और पढ़ते चलना है भाई, मेरी हर एक बात को आप समझो, हर एक बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि भाई हम वही चीजें बोलते हैं जो हमने अनुभव किया है, ठीक है, हमने अनुभव किया है और उसी अनुभव को हम आप तक साझा कर रहे हैं। हम किसी भी क्लासेस की शुल्क इसलिए नहीं लेते, हमारा भी उद्देश्य है, हम आपसे पैसा नहीं कमाते, ठीक है ना, हमारा उद्देश्य है सब तक निःशुल्क शिक्षा मिले, क्योंकि हम उतना, हम जब संसाधन ही हम कम में हम आपको बेहतर दे रहे हैं और आपको समझ भी आ रहा है, तो क्यों भाई हम आपसे आपका कुछ भी चीज ले, है ना, बिल्कुल हर चीज निःशुल्क रहेगी, आप बेहतर पढ़ें अच्छा पढ़ें, जो साथी नोट्स बनाना चाहते होंगे वो नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, वो नोट बना सकते हैं। तो आज की ये जो क्लास है एक सामान्य परिचय थी साथियों, जो भी प्री बीएड प्री डीएलएड की पढ़ाई करना चाहते हैं उन तक वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है, उनको भी लाभ मिल सके और उनका भी सपना साकार हो, किसी अच्छे से कॉलेज में उनका भी एडमिशन हो जाए बीएड करने के लिए या डीएड करने के लिए, है ना भाई, शिक्षक बनना है और शिक्षक बनने का पहला पड़ाव पहली मेहनत तो आपका यहीं से शुरू होता है जी। देखो आप मन सबसे पहले क्या करिए, प्री बीएड प्री डीएड के तैयारी करिया, ते कल ले हो ही सिलेक्शन बीएड डीएड मा, अब बीएड डीएड ला अपन मर मर के 2 साल ले हमन जी जान लगा के पढ़बो, ओकर बाद में काय आगे सीजी टेट और सी टेट, है ना भाई, अब सी टेट ला अति पढ़बो मैम कई जन ऐसे ऐसे है 5 साल हो गए 6 साल हो गए लेकिन पेपर निकाले नहीं सके, है ना भाई, ओला हमला पढ़ना पड़ी, अब जब ओ निकल जाही तब व्यापम हाँ शिक्षक भर्ती निकाली, अब कै साल में निकाली ने कै साल में ओहू ला चुचवाए मुँह बराबर देखत रही वो ए साल निकाली है ना, तो इतने कस जब हमला पड़ाव से गुजरना है तो क्यों ना हम चेत करके पढ़ी, और आप मन चेत करिया
तो आपके अच्छा कॉलेज में सेट होई, यदि चेत होई तो यदि सेट होई, है ना भाई, तो चेत करना जरूरी है। तो चलो आज की जो क्लास है ना हम समाप्त करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।